एवरीज, वेलकम टू ग्रो माय टैरो। और ये रीडिंग है आपके एक्स की करंट सिचुएशन के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आपके एक्स आजकल किस हाल में है और उनके हालात क्या हैं एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप ये सारी चीजें सोच रहे थे और जानना चाहते हैं कि आपके एक्स की करंट सिचुएशन क्या है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। मैसेजेस फॉर एवीज। Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, The Holy King, Eight of Wands, Nine of Chalices, the Holy King। आजकल आपका एक्स जो है कभी सोचता है कि लाइफ आपके बिना चल जाएगी और कभी लगता है कि वो कभी मूव ऑन ही नहीं कर पाएंगे। आपके एक्स आजकल इस अंधेरे में अपना रास्ता खोज रहे हैं और सबसे अजीब बात यह है कि ये अंधेरा उन्होंने अपने जीवन में खुद ही बुलाया है, या कह सकते हैं खुद ही क्रिएट किया है। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ओके, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल रहा है। शायद उनके लिए पैसे बहुत ज्यादा मायने रखते थे। अब ये दो सिनेरियो हो सकता है, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये कि ये पर्सन आपसे किसी तरीके का फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहा था और आपके ऐसा ना करने पे शायद उन्होंने आपको ब्लेम किया, या उन्होंने आपको ये फील करवाया कि आप अपनी खुशियों को, अपनी चीजों को उनके साथ शेयर नहीं करना चाहते। इस पर्सन को हर चीज प्रैक्टिकल नजरिए से देखने की आदत थी आज तक, और इनके लिए इनकी फीलिंग्स कभी भी एक प्रायोरिटी नहीं रही। इनफैक्ट ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनकी फीलिंग्स की कदर कभी किसी ने की नहीं। अब चाहे इनकी फैमिली हो या इनके फ्रेंड्स या कोई और, या इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप, इन्हें हमेशा फील हुआ कि इनकी फीलिंग्स की कदर किसी को नहीं है। तो फीलिंग्स एक्चुअली वर्थलेस होती हैं और फोकस करना चाहिए हमेशा प्रैक्टिकल चीजों पर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन काफी ज्यादा सेल्फिश हो गया था और उन्हें आपसे भी उम्मीद थी कि आप भी उनकी मदद करेंगे हर तरीके से, जिस तरीके से भी आप कर सकें। और एक दूसरा मतलब इसका एक और निकल के आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि इस पर्सन की प्रायोरिटीज दूसरी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल हो सकते हैं, इस पॉइंट पे इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि इन्हें पैसों की जरूरत है या रिलेशनशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि लाइफ हमेशा रोमांस या फीलिंग्स के बल पे नहीं चल सकती, पर एक बैलेंस होता है जो ये पर्सन नहीं क्रिएट कर पा रहा। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें एक चीज को दूसरी चीज के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एक तरीके से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर इन्हें अपना एक फ्यूचर चाहिए, और अभी ये सिर्फ अपने वर्क और पैसों के बारे में सोच रहे हैं। एंड
ये सिर्फ प्रायोरिटीज के बारे में नहीं है, इससे इस पर्सन का ध्यान भी बटा रहता है, ये कुछ बिजी भी रहते हैं। यहाँ अगर आप एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखें तो एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनके लाइफ में कोई नया हो सकता है या कुछ नया करने की सोच रहे हो सकते हैं, पर इस पॉइंट पे इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें करना चाहिए, क्योंकि नाइन ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अभी भी एक ऐसे फेज में है जहां ये चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ये चाहते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। आपको भी इनकी एनर्जीज फील हो सकती है, हो सकता है कि आपको कभी कभी मूड स्विंग्स हो, आपको ऐसा लगे कि आप अचानक से ही उदास हो गए जबकि इसकी कोई वजह नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको चेज कर रहा है एनर्जेटिकली, और इनकी जो एनर्जीज हैं वो आपको भी अफेक्ट कर सकती हैं, और आप कुछ समय के लिए उदास सा महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ चैलिसेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ एटम्स, एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पे फोर ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हर कोई इनसे सिर्फ फायदे के लिए ही कनेक्टेड है, यानी ये जो पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं हर किसी को उस पेंटिकल्स में इंटरेस्ट है, चाहे इनकी फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो या कोई पोटेंशियल लवर जिसके बारे में ये सोच रहे हो। इन्हें लगता है कि अभी भी इन्हें कोई ट्रू लव देने वाला नहीं है। आई मीन कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी भी एहसास हो रहा है कि इनकी परवाह किसी को नहीं है, और ये भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। फोर ऑफ एटम्स के साथ आजकल ये पर्सन अकेला ही है। अकेला भी ये पर्सन तब है जब इन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स होते हुए भी अपने जीवन में उसे गवा दिया। किंग ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन को आज ये बात रियलाइज हो रही है कि आपने कितना कुछ किया है उनके लिए, आपने उन्हें वो हर चीज देने की कोशिश की जो आपके बस में थी, और आपके साथ जो उनका पास्ट था वो कितना खुशनसीब था, या कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशियां थी उसमें। और अब ये पर्सन यहां सोच रहा है अकेले कि उन्होंने क्या कर लिया अपने साथ। आपको बाय कह के उन्होंने अपने लाइफ में कितने बर्डन्स ले लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन्हें यह महसूस हो रहा है अब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना रोमांस है, ना लव है, ना कोई फीलिंग्स बची हैं, बस अपनी लाइफ को जीना है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, और ये वो वॉन्ड्स लेके बस अपना रास्ता तय करते जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एरीज, जॉइन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ पर्सिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आप कहना चाहते हैं वो कहिए, किसी बात के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा,
आपका काम है बस अपने आप को एक्सप्रेस करना, बाकी सारी चीजें तो आप वैसे भी नहीं कंट्रोल कर सकते, वो सब कुछ सिर्फ यूनिवर्स के हाथ में है। ओके तो किसी भी बात का डर मन से निकाल दीजिए, जो आपको सही लगता है वही कहिए। तो ये है रीडिंग आपके एक्स के करंट सिचुएशन की, आई होप आपको अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।